हल्द्वानी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और एमसीएमसी का निरीक्षण किया और सभी नोडल अफसरों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के सभी कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। लोकसभा को शांतिपूर्वक पारदर्शिता एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिले में निर्वाचन कंट्रोल रूम और एमसीएमसी की स्थापना एमबीपीजी कॉलेज में की गई। बता दें कि निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल रूम और एमसीएमसी कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा, जिसके संचालन के लिए 24 घंटे कर्मिकों की तैनाती की गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कंट्रोल रूम क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद तत्काल चालू हो जाता है, जो शिकायत निवारण से संबंधित समितियां हैं वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं, तो इसका आज मैंने निरीक्षण किया है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में संसाधन है और कंट्रोल रूम 24/7 फंक्शनल है। सभी ड्यूटीज़ वगैरह भी लगाई गई हैं। इसके जो नंबर्स हैं कंट्रोल रूम के, आम जनता को किसी भी प्रकार के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की या अन्य कोई जानकारी अगर निर्वाचन से संबंधित उनको चाहिए तो उसके नंबर्स भी हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से उसको सर्कुलेट करवाया है। जनता से भी ये अपील है कि कोई भी निर्वाचन संबंधी जानकारी अगर आपको चाहिए तो जो निर्वाचन कंट्रोल रूम है उसमें संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपकी जो सहायता है वो करी जाएगी।